हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यूनन इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये मूवी है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को के प्रोड्यूस केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस प्राटेट जोई ना डेवी बॉस्टिस्टा विन डीजल ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन गिलन डिजिमोन हॉन्सू जॉन सी रैली, ग्लिनन क्लोज बंसियो डेल टोरो और इस मूवी को फोटोग्राफी तो किए हैं बेन डेविस और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड ही और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को प्रोडक इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई 2014 को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट टू हंड्रेड एंड मिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव पॉइंट नाइन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ़ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नज़र आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नज़र आए और फ्रेंड्स जोई सैलडना एज अ गमोरा के रोल में नज़र आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स डिस्ट्रॉयर दि के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में ली पेस एज अ रोना एक्च्यूजर के रोल में माइकल रूकर एज अन्डू उटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली एज ले एज ए रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बैनिको डेल टोरो एज टैनिलट दीवान या दी कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं, मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूँ नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी जरूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स नाइनटीन में अपनी माँ की मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी चोरी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोन्टा के नेतृत्व में रे, रे, रेवेजर्स कहा जाता है टू फोर्टीन में प्रतीत ग्रह मोरगा पर केवल एक रहस्य केवल केवल एक रहस्यमय ओब्रो चु, चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कट्टर पा, पाखंडी रोनन द एक्सर की ताकतों द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओबरों के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जा, जारी करता है जबकि गमोरा को ओबरो के बाद भेजता है जब किविल नोवा की राजधानी जेंडर पर ओबरो को बेच बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा लेते आ, लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड सिंह रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह हाम, हुमनाईड, हुमनाईड के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह, वहां एक कैदी ड्रग्स डिस्ट्रायर शक्तिशाली इंटरग्लैंटिक सरदार थानोस थानोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन जिसने उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को आश्वस्त किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा ओब्र को कलेक्टर टैनलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है कीवेल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स कीवेल के जहाज़ मिले में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ़ द गैलेक्सी इस मूवी की आई रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यूनन इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यून निकोला पार्लमैन और यह मूवी बेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट, एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए के केविन और इस मूवी के स्टारिंग है चेरिसल डेवी बॉस्टिस्टा विन डीजल ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन गिलन डिजमोन हॉन्सू जॉन सी राइली ग्लिनन क्लोज बैंसियो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिन किए हैं बेन डेविस और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड विन बोर्नी और इस मूवी में, में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को प्रोडक्ट इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज़ और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोटीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोटीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स और ये यूनाइट स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट टू हंड्रेड एंड थर्टी टू बिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव पॉइंट नाइन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नज़र आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नजर आए और फ्रेंड्स जोई अ गमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में लीप पेस एज अ रोना दूसर के रोल में माइकल रूकर एज अडू उडोटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली राय रियाइली ले एज ए रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बैनिको ती, या टैनिला कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं The गार्जियंस ऑफ़ the गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूं नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स नाइनटीन में अपनी माँ के मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, रे, रेवेजर्स कहा जाता है 2014 में प्रतीत ग्रह मोरगा पर केवल एक रहस्य केवल केवल एक रहस्यमय ओब्रच चु, चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कटर क्रीक पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर की ताकत द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओबरो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जारी करता है, कि हत्यारे गमोरा को के बाद भेजता है। जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरो को बेच बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा है लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड आनूसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह ह्यूमनाइट ह्यूमनाइट ग्राड नोआ को अफसर के अधिकारियों निर्चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह, वहां एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रायर सक्तिशाली इंटरग्लेंटिक सरदार थानोस के के साथ उसके जुड़ाव कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा उबर को कलेक्टर टैनलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है केवल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स केवल के जहाज मिले में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ़ द गैलेक्सी इस मूवी की आई में रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपरहीलो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यूनन इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये मूवी बेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस प्राटेट जोई सैलडन डेवी बॉस विन डीजल ब्रेड, ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन जी जॉन सी रैली, ग्लिनन क्लोज बैंसो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिनटोग्राफी तो किए हैं बेन डेविस इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड ही और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को प्रोडक इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोरटीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 232 मिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 772.8 मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नजर आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नज़र आए और फ्रेंड्स सैल्डेना एज अ गमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स डिस्ट्रॉयर दि के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में ली पेस एज अ रोना एक्यूजर के रोल में माइकल रूकर एज अडू उडोटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली रियली एज अ रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बेनिको डेल टोरो एज टेनिलर ती, तीवान या कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जन्स ऑफ़ द गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूँ नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स 1988 में अपनी मां की मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी चोरी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, 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 रेवेजरर्स कहा जाता है 2014 में प्रतीत ग्रह मोरगा पर कीवल एक रहस्य केवल कीवल एक रहस्यमय ओब्रू चु चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कट्टर पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर के ताकतों द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओब्रो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जा जारी करता है जबकि रोनन हत्यारे गमोरक को ओब्रो के बाद भेजता है जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरू को बेच, बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा लेते आ, लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड आनुसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह हम ह्यूमनाइड ग्रट नोआ को अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह वहां एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रायर शक्तिशाली इंटरग्लेंटिक ग्ले, सरदार थानोस थानोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन जिसने उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को अस्वस्थ किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा ओब्र को कलेक्टर टैनेलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है कीवेल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स कीवेल के जहाज़ मिले में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी इस मूवी की आई रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और इस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यून इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये मूवी बेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस ब्राटेट जोई सैलडन डेवी बॉस्टिस्टा विन डीजल ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन जी गिलन डिजमोन हॉन्सू जॉन सी राइली ग्लिनन क्लोज बैंसियो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिन किए हैं बेन डेविस और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड विन बोर्नी और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को प्रोडक्ट इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज़ और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोटीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोटीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स और ये यूनाइट स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट टू हंड्रेड एंड थर्टी टू बिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव पॉइंट नाइन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नज़र आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नजर आए और फ्रेंड्स जोई सैलडना एज अ अमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में ली पेस एज अ रोना दूसर के रोल में माइकल रूकर एज अडू उडोटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली राय रियाइली ले एज ए रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बैनिको ती, या टैनिला कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जियंस ऑफ़ the गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूं नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स नाइनटीन में अपनी माँ के मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, रे, रेवेजर्स कहा जाता है 2014 में प्रतीत ग्रह मोरगा पर केवल एक रहस्य केवल केवल एक रहस्यमय ओब्रच चु, चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कटर क्रीक पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर की ताकत द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओबरो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जा जारी करता है जबकि रोनंद हत्यारे गमोरा को ओबरो के बाद भेजता है जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरो को बेच बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा है लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड आनुसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह हम ह्यूमनाइड ह्यूमनाइड ग्रड नोक अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह वहाँ एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रॉयर शक्तिशाली इंटरग्लैंटिक ग्ल, सरदार थानोस थैनोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा उबर को कलेक्टर टैनलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है केवल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स केवल के जहाज मिले में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ़ द गैलेक्सी इस मूवी की आई में रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के फोर्टीन की अमेरिकन सुपरहीलो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यूनन इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये मूवी बेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस प्राटेट जोई सैलडन डेवी बॉस विन डीजल ब्रे, ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन जी जॉन सी रैली, ग्लिनन क्लोज बैंसो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिनटोग्राफी तो किए हैं बेन डेविस इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड ही और इस मूवी में, में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को तक, इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज़ और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोर्टीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 232 मिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 772.8 मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नजर आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नज़र आए और फ्रेंड्स सैल्डेना एज अ गमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स डिस्ट्रॉयर दि के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में ली पेस एज अ रोना एक्यूजर के रोल में माइकल रूकर एज अडू उडोटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली एज अ ले रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बेनिको डेल टोरो एज टेनिलर तीवान या कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जन्स ऑफ़ द गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूँ नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स 1988 में अपनी मां की मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी चोरी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, 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 रेवेजरर्स कहा जाता है 2014 में प्रतीत ग्रह मोरगा पर कीवल एक रहस्य केवल कीवल एक रहस्यमय ओब्रू चु चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कट्टर पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर के ताकतों द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओब्रो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जा जारी करता है जबकि रोनन हत्यारे गमोरक को ओब्रो के बाद भेजता है जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरू को बेच, बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा लेते आ, लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड आनुसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह हम ह्यूमनाइड ग्रट नोआ को अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह वहाँ एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रायर शक्तिशाली इंटरग्लैंटिक ग्ले, सरदार थानोस थानोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन जिसने उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को अस्वस्थ किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा ओब्र को कलेक्टर टैनेलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है कीवेल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स कीवेल के जहाज़ मिले में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी इस मूवी की आई रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और इस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यून इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये मूवी बेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए के केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस ब्राटेट जोई सैलडन डेवी बॉस्टिस्टा विन डीजल ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन गिलन डिजमोन हॉन्सू जॉन सी राइली ग्लिनन क्लोज बैंसियो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिन्राफी तो किए हैं बेन डेविस और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड विन बोर्नी और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी प्रोडक्ट इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज और इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट टू हंड्रेड एंड थर्टी टू मिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव पॉइंट नाइन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नज़र आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नजर आए और फ्रेंड्स जोई सैलडना एज अ अमोरा के रोल में नजर आए और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में लीप पेस एज अ रोना दूसर के रोल में माइकल रूकर एज अडू उडोटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली एज राय रियाइली ले एज ए रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बैनिको ती, या टैनिला कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं The गार्जियंस ऑफ़ the गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूं नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स नाइनटीन में अपनी माँ के मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, रे, रेवेजर्स कहा जाता है 2014 में प्रतीत ग्रह मोरगा पर केवल एक रहस्य केवल केवल एक रहस्यमय ओब्रच चु, चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कटर क्रीक पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर की ताकत द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओबरो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जा जारी करता है जबकि रोनन हत्यारे गमोरा को ओबरो के बाद भेजता है जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरो को बेच बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा है लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइन आनुसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह हम ह्यूमनाइड ह्यूमनाइड ग्रड नोक अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह वहाँ एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रॉयर शक्तिशाली इंटरग्लैंटिक ग्ल, सरदार थानोस थैनोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को आश्वस्त किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा ओब्र को कलेक्टर टेनेलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है केवल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स केवल के जहाज़ मिलने में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ़ द गैलेक्सी इस मूवी की आई में रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीलो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यूनन इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये मूवी बेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस प्राटेट जोई सैलडन डेवी बॉस विन डीजल ब्रेड, ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन जी जॉन सी रैली, ग्लिन क्लोज बैंसो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिनटोग्राफी तो किए हैं बेन डेविस इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड ही और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को प्रोडक इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज़ और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोर्टीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट टू मिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका 195.9 मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 772.8 मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नजर आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नज़र आए और फ्रेंड्स सैल्डेना एज अ गमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स डिस्ट्रॉयर दि के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में ली पेस एज अ रोना एक्यूजर के रोल में माइकल रूकर एज अडू उडोटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली एज अ ले रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बेनिको डेल टोरो एज टेनिलर तीवान या कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जियंस ऑफ़ द गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूँ नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स 1988 में अपनी मां की मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी चोरी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, 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 रेवेजरर्स कहा जाता है 2014 में प्रतीत ग्रह मोरगा पर कीवल एक रहस्य केवल कीवल एक रहस्यमय ओब्रू चु चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कट्टर पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर के ताकतों द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओब्रो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जा जारी करता है जबकि रोनन हत्यारे गमोरक को ओब्रो के बाद भेजता है जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरों को बेच, बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा लेते आ, लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड आनुसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह हम ह्यूमनाइड ग्रट नोआ को अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह वहां एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रायर शक्तिशाली इंटरग्लेंटिक ग्ले, सरदार थानोस थानोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन जिसने उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को अस्वस्थ किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा ओब्र को कलेक्टर टैनलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है कीवेल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स कीवेल के जहाज़ मिले में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी इस मूवी की आई रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और इस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यून इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये मूवी बेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए के केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस ब्राटेट जोई सैलडन डेवी बॉस्टिस्टा विन डीजल ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन गिलन डिजमोन हॉन्सू जॉन सी राइली ग्लिनन क्लोज बैंसियो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिन किए हैं बेन डेविस और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड विन बोर्नी और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी प्रोडक्ट इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज और इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोटीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोर्टीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट टू हंड्रेड एंड थर्टी टू मिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्रार्ट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नज़र आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नजर आए और फ्रेंड्स जोई सैलडना एज अ गमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स डिस्ट्रॉयर दि के रोल में और विन डीजल एज ए ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज ए रॉकेट के रोल में ली पेस एज अ रोना द एक्चूसर के रोल में माइकल रूकर एज ए योंडू योंडू वोंटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली रियली ले एज अ रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बेनिको डेल्टोरोज टैनल तीवान या दी कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी दार्जेंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं, मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूँ नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी जरूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स नाइनटीन में अपनी माँ की मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी चोरी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, रे, रेवेजर्स कहा जाता है टू ने प्रतीत ग्रह मोरगा पर केवल एक रहस्य केवल केवल एक रहस्यमय ओब्रो चु, चुराता है लेकिन कोरता के नेतृत्व में कटर कृपा पाखंडी रोनन द एक्सेसर की ताकतों द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओब्रो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जारी करता है जबकि हत्यारे गमोरा को ओ, के बाद भेजता है। जब किविल नोवा की राजधानी जेंडर पर ओबरो को बेच बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा लेते आ, लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड सिंह रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह ह्यूमनाइट ग्रट नोक अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह वहाँ एक कैदी ड्रग्स द डी डिस्ट्रॉयर शक्तिशाली इंटरग्लैंटिक ग्ले, सरदार थानोस, थानोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन जिसने उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को अस्वस्थ किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा ओब्र को कलेक्टर टैनलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है कीवेल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स कीवेल के जहाज मिले में काइल से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी इस मूवी की आई रे रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यून इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये बेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस प्रार्ट जोई सैलडन डेवी बॉस्टिस्टा विन डीजल ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन गिलन डिजमोन हॉन्सू जॉन सी राइली ग्लिनन क्लोज बंसियो डेल टोरो और इस मूवी को सैमो तो किए हैं बेन डेविस और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड हीस विन बोर्नी और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को प्रोडक्ट इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोर्टीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट टू हंड्रेड एंड थर्टी टू मिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव पॉइंट नाइन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ़ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नज़र आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नज़र आए और फ्रेंड्स जोई सैलडना एज अ गमोरा के रोल में नज़र आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स डिस्ट्रॉयर दि के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में ली पेस एज अ रोना द एक्यूजर के रोल में माइकल रूकर एज अ योंडू योंडू वो डोंटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली रियाली ले एज ए रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बैनिको डेल टोरो टोरोज टेनिलर दीवान ती, या दी कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूँ नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी जरूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स नाइनटीन में अपनी माँ की मृत्यु के, के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी चोरी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, 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 रेवेजर्स कहा टू थाउजेंड फोर्टीन में प्रतीत ग्रह मोरगा पर केवल एक रहस्य केवल केवल एक रहस्यमय ओब्रो चु चुराता है लेकिन कोर्टा के नेतृत्व में कट्टर पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर की ताकतों द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओबरों के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जा, जारी करता है, कि हत्यारे गमोरा को ओ, के बाद भेजता है। जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरो को बेच बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा है लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड आनुसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह हम ह्यूमनाइड ह्यूमनाइड ग्रड नोक अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह, वहां एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रॉयर शक्तिशाली इंटरग्लैंटिक ग्ल, सरदार थानोस थानोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन जिसने उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को आश्वस्त किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा उब्र को कलेक्टर टैनलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है केवल रॉकेट ग्रो रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स केवल के जहाज मिलने में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी इस मूवी की आई रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यूनन इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और यह मूवी बेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और ये इस मूवी को प्रोड्यूस किए केविन फेज और इस मूवी की स्टारिंग है चैरिस प्राटेट जोई सैलडन डैवी बॉस्टिस्टा विन डीजल ब्रे, ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन गिलन डिजमोन हॉन्सू जॉन सी रैली, ग्लिरन क्लोज बैंसियो डेल टोरो और इस मूवी को फोटोग्राफी किए हैं बेन डेविस और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड ही और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोर्टीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और, और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 232 मिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका 195.9 मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 772.8 मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी हमें क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नज़र आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नज़र आए और फ्रेंड्स जोइस सेल्डेना एज अ गमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में ली पेस एज अ रोना द एक्सर के रोल में माइकल रूकर एज योंडू योडू वा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज ए कोर के रोल में जॉन सी रियली रियली एज रियाली रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बेनिको डेल टोरो टेनिलर टैनलान ती, या कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जन्स ऑफ द गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूँ नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स में अपनी माँ के मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, रे, रेवेजर्स कहा जाता है 2014 में प्रतीत ग्रह मोरगा पर केवल एक कीवल एक रहस्यमय ओब्रो चु, चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कट्टर पा पाखंडी रोनन द एक्सेसर के ताकत द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओबरो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जा, जारी करता है जबकि रोनन हत्यारे गमोरक को ओबरो के बाद भेजता है जब कीविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरो को बेच, बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा लेते आ, लेता है है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड आनुसिंग से और साइबरनेट रूप से असंशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह ह्यूमनाइट ग्रट नोक अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह वहाँ एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रॉयर शक्तिशाली इंटरग्लैंटिक ग्ले, सरदार थानोस थैनोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन जिसने उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्र, ड्रेक्स को अश्वस्त किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे उब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा उब्र को कलेक्टर टैनलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है केवल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स केवल के जहाज मिले में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी इस मूवी की आई एम रेटिंग की बात करते इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यूनन इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये मूवी है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी के प्रोड्यूस के केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस प्राट जोई सैलडनी डेवी बॉस्टिस्टा विन डीजल ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन गिलन डिजमोन हॉन्सू जॉन सी रैली ग्लिनन क्लोज पेंसियो डेल टोरो और इस मूवी उनको तो सीमेटोग्राफी किए हैं है बेन डेविस इस मूवी को एडिट किया फ्रेड रास्किन क्रैच वुड विन ही और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोस प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को प्रोडक इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन को डॉलबी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट टू हंड्रेड एंड थर्टी टू मिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेवन मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी हमें क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नजर आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नजर आए और फ्रेंड्स जोई सेल्डेना एज अ गमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स डिस्ट्रॉयर के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में लीप पेस एज अ रोना दूसर के रोल में माइकल रुकर एज एडू वा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोर के रोल में जॉन सी रियली एज अ रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल के रोल में और बेनिको डेल एज डेल्टोरोज टैनिला या दी कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑडा कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जियंस ऑफ़ द गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूँ नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स नाइनटीन में अपनी माँ की मृत्यु के, के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी चोरी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, रे, रेवेजर्स कहा जाता है 2014 में प्रति ग्रह मोरगा पर केवल एक रहस्य केवल केवल एक रहस्यमय ओब्रू चु, चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कटर क्रीक पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर के ताकतों द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओब्रो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जा, जारी करता है जबकि रोनन हत्यारे गमोरा को ओबरो के बाद भेजता है जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरो को बेच, बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा लेता है लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड अनु रूप से और साइबरनेट रूप से असंशोधित रेकिन रॉकेट और पेड़ की तरह हम ह्यूमनाइड ह्यूमनाइड ग्रड नोक अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह वहाँ एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रायर शक्तिशाली इंटरग्लैंटिक ग्ले, सरदार थानोस थानोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन जिसने उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को अस्वस्थ किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा ओब्र को कलेक्टर टैनेलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है कीवल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स कीवल के जहाज़ मिले में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी इस मूवी की आई रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यून इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये मूवी बेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस प्राटेट जोई सैलडन डेवी बॉस्टिस्टा विन डीजल ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन गिलन डिजमोन हॉन्सू जॉन सी राइली ग्लिनन क्लोज बैंसियो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिन किए हैं बेन डेविस और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड विन बोर्नी और इस मूवी में, में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को प्रोडक्ट इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज़ और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोटीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोटीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स और ये यूनाइट स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट टू हंड्रेड एंड थर्टी टू बिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव पॉइंट नाइन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नज़र आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नजर आए और फ्रेंड्स जोई सैलडना एज अ अमोरा के रोल में नज़र आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में लीप पेस एज अ रोना दूसर के रोल में माइकल रूकर एज अडू उडोटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली राय रियाइली ले एज ए रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बैनिको ती, या टैनिला कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जियंस ऑफ the गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूं नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स नाइनटीन में अपनी माँ के मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, रे, रेवेजर्स कहा जाता है 2014 में प्रतीत ग्रह मोरगा पर केवल एक रहस्य केवल केवल एक रहस्यमय ओब्रच चु, चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कटर क्रीक पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर की ताकत द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओबरो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जारी करता है, कि हत्यारे गमोरा को के बाद भेजता है। जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरो को बेच बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा है लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड आनूसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह ह्यूमनाइट ह्यूमनाइट ग्राड नोआ को अफसर के अधिकारियों निचारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह, वहां एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रायर सक्तिशाली इंटरग्लेंटिक सरदार थानोस थैनोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन जिसने उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को आश्वस्त किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा ओब्र को कलेक्टर टेनेलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है केवल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स केवल के जहाज़ मिलने में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ़ द गैलेक्सी इस मूवी की आई में रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीलो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यूनन इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये मूवी बेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस प्राटेट जोई सैलडन डेवी बॉस विन डीजल ब्रेड, ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन जी जॉन सी रैली, ग्लिनन क्लोज बैंसो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिनटोग्राफी तो किए हैं बेन डेविस और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड ही और इस मूवी में, में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को तक, इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज़ और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोर्टीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 232 मिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 772.8 मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी हमें क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नज़र आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नज़र आए और फ्रेंड्स सैल्डेना एज अ गमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स डिस्ट्रॉयर दि के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में ली पेस एज अ रोना एक्यूजर के रोल में माइकल रूकर एज अडू उडोटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली एज अ ले रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बेनिको डेल टोरो एज टेनिलर ती, तीवान या कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जियंस ऑफ़ द गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूँ नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स में अपनी माँ की मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी चोरी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, 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 रेवेजर्स कहा जाता है टू थाउजेंड फोर्टीन में प्रतीत ग्रह मोरगा पर केवल एक रहस्य रहस्यमय ओब्रू चु चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कट्टर पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर के ताकतों द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओब्रो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जा जारी करता है जबकि रोनन हत्यारे गमोरक को ओब्रो के बाद भेजता है जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरू को बेच, बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा लेते आ, लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड आनुसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह हम ह्यूमनाइड ग्रट नोआ को अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह वहाँ एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रायर शक्तिशाली इंटरग्लैंटिक ग्ले, सरदार थानोस थानोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन जिसने उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को अस्वस्थ किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा ओब्र को कलेक्टर टैनलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है कीवल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स कीवल के जहाज़ मिले में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी इस मूवी की आई रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और इस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये टू के अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यूनन इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यून निकोला पार्लमैन और यह मूवी बेस्ड है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए के केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस ब्राट जोई सैलडनी डेवी बोस्टिस्टा, विन डीजल ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन गिलन डिजेमोन हॉन्सू जॉन सी राइली ग्लिनन क्लोज बैंसियो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिन किए हैं बेन डेविस और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड विन बोर्नी और इस मूवी में, में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को प्रोडक्ट इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज़ और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोटीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोटीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स और ये यूनाइट स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट टू हंड्रेड एंड थर्टी टू बिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव पॉइंट नाइन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नज़र आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नजर आए और फ्रेंड्स जोई सैलडना एज अ अमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में लीप पेस एज अ रोना दूसर के रोल में माइकल रूकर एज अडू उडोटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली राय रियाइली ले एज ए रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बैनिको ती, या टैनिला कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं The गार्जियंस ऑफ़ the गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूं नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स नाइनटीन में अपनी माँ के मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, रे, रेवेजर्स कहा जाता है 2014 में प्रतीत ग्रह मोरगा पर केवल एक रहस्य केवल केवल एक रहस्यमय ओब्रच चु, चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कटर क्रीक पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर की ताकत द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओबरो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जारी करता है, कि हत्यारे गमोरा को के बाद भेजता है। जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरो को बेच बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा है लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड आनूसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह ह्यूमनाइट ह्यूमनाइट ग्राड नोआ को अफसर के अधिकारियों निर्चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह, वहां एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रायर सक्तिशाली इंटरग्लेंटिक सरदार थानोस के के साथ उसके जुड़ाव कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा उबर को कलेक्टर टेनेलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है केवल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स केवल के जहाज मिलने में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ़ द गैलेक्सी इस मूवी की आई में रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यूनन इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये मूवी बेस्ट है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस प्राटेट जोई सैलडन डेवी बॉस विन डीजल ब्रेड, ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन जी जॉन सी रैली, ग्लिन क्लोज बैंसो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिनोटोग्राफी तो किए हैं बेन डेविस इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड बोर्निंग और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को तक, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोर्टीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 232 मिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 772.8 मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नजर आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नज़र आए और फ्रेंड्स सैल्डेना एज अ गमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स डिस्ट्रॉयर दि के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में ली पेस एज अ रोना एक्यूजर के रोल में माइकल रूकर एज अडू उडोटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली एज अ ले रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बेनिको डेल टोरो एज टेनिलर तीवान या कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जियंस ऑफ़ द गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूँ नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स 1988 में अपनी मां की मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी चोरी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, 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 रेवेजरर्स कहा जाता है 2014 में प्रतीत ग्रह मोरगा पर कीवल एक रहस्य केवल कीवल एक रहस्यमय ओब्रू चु चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कट्टर पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर के ताकतों द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओब्रो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जा जारी करता है जबकि रोनन हत्यारे गमोरक को ओब्रो के बाद भेजता है जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरू को बेच, बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा लेते आ, लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड आनुसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह हम ह्यूमनाइड ग्रट नोआ को अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह वहाँ एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रायर शक्तिशाली इंटरग्लैंटिक ग्ले, सरदार थानोस थानोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन जिसने उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को अस्वस्थ किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा ओब्र को कलेक्टर टैनेलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है कीवेल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स कीवेल के जहाज़ मिले में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी इस मूवी की आई रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और इस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये 2014 के अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यून इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यून निकोला पार्लमैन और यह मूवी बेस्ड है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए के केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस ब्रैट जोई सैलडनी डेविड बोस्टिस्टा, विन डीजल ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन गिलन डिजेमोन हॉन्सू जॉन सी राइली ग्लिनन क्लोज बैंसियो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिन किए हैं बेन डेविस और इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड विन बोर्नी और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को प्रोडक्ट इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज़ और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोटीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोटीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स और ये यूनाइट स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट टू हंड्रेड एंड थर्टी टू बिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव पॉइंट नाइन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू पॉइंट एट मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नज़र आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नजर आए और फ्रेंड्स जोई सैलडना एज अ गमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में लीप पेस एज अ रोना दूसर के रोल में माइकल रूकर एज अडू उडोटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली राय रियाइली ले एज ए रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बैनिको ती, या टैनिला कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जियंस ऑफ़ the गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूं नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स नाइनटीन में अपनी माँ के मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, रे, रेवेजर्स कहा जाता है 2014 में प्रतीत ग्रह मोरगा पर केवल एक रहस्य केवल केवल एक रहस्यमय ओब्रच चु, चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कटर क्रीक पा, पाखंडी रोनन द एक्सेसर की ताकत द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओबरो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जारी करता है, कि हत्यारे गमोरा को के बाद भेजता है। जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरो को बेच बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा है लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइन आनुसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह हम ह्यूमनाइड ह्यूमनाइड ग्रड नोक अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह, वहां एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रॉयर शक्तिशाली इंटरग्लैंटिक ग्ल, सरदार थानोस के के साथ उसके जुड़ाव कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा उबर को कलेक्टर टैनलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है केवल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स केवल के जहाज मिले में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ़ द गैलेक्सी इस मूवी की आई में रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के बारे में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ये टू के फोर्टीन अमेरिकन सुपरहीरो फिल्म है जो कि मार्वल की कॉमिक पर बेस्ड है और फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जेम्स ग्यूनन इस मूवी को लिखे हैं जेम्स ग्यूनन निकोला पार्लमैन और ये मूवी बेस्ड है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि डैन एबनिट एंडी लैनिंग की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए केविन फेज और इस मूवी के स्टारिंग है चैरिस प्राटेट जोई सैलडन डेवी बॉस विन डीजल ब्रेड, ब्रेडली कॉपर ली पेस माइकल रूकर कैरन जी जॉन सी रैली, ग्लिनन क्लोज बैंसो डेल टोरो और इस मूवी को सेमिनटोग्राफी तो किए हैं बेन डेविस इस मूवी को एडिट किए हैं फ्रेड रास्किन क्रैच वुड बोर्निंग और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं टेलर बेट्स और ये मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन की मूवी है यानी कि ये इस मूवी को तक, इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है मार्वल स्टूडियोज़ और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो और मोशन पिक्चर्स और यह मूवी ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन को डॉल्बी थिएटर में रिलीज़ हुई और फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड फोर्टीन को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 232 मिलियन रहा ग्रॉस और नेट इसका वन मिलियन रहा बजट और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी शानदार रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 772.8 मिलियन डॉलर रहा जो कि काबिल तारीफ है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिस प्राट एज अ पीटर क्यूल के रोल में नज़र आए या स्टार लॉर्ड के रोल में नज़र आए और फ्रेंड्स सैल्डेना एज अ गमोरा के रोल में नजर आई और डेवी बॉटिस्ट एज अ ड्रैक्स डिस्ट्रॉयर दि के रोल में और विन डीजल एज अ ग्रूट के रोल में और ब्रेडली कूपर एज अ रॉकेट के रोल में ली पेस एज अ रोना एक्यूजर के रोल में माइकल रूकर एज अडू उडोटा के रोल में कैरिन गिलन एज अ नेबुला के रोल में डिजमोन हॉन्सू एज अ कोरात के रोल में जॉन सी रियली रियली एज अ रोमन डी के रोल में दे के रोल में और ग्लिन क्लोज एज ईरानी रेल रेल के रोल में और बेनिको डेल टोरो एज टैनल ती, तीवान या कलेक्टर के रोल में तो फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दी गार्जियंस ऑफ़ द गैलेक्सी मूवी की स्टोरी के बारे में तो फ्रेंड्स स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस मूवी का टोटल स्टोरी तो बताने वाला हूँ नहीं बट मैं कुछ इसका स्टोरी ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री रहता है तो फ्रेंड्स 1988 में अपनी मां की मृत्यु के बाद एक युवक पीटर कीवल को विदेशी चोरी और तस्करों के एक समूह द्वारा पृथ्वी से अपहरण कर लिया गया है जिन्हें यूडो उडोंटा के नेतृत्व में रे, 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 रेवेजरर्स कहा जाता है 2014 में प्रतीत ग्रह मोरगा पर कीवल एक रहस्य केवल कीवल एक रहस्यमय ओब्रू चु चुराता है लेकिन कोर्ता के नेतृत्व में कट्टर पा, पाखंडी रोनन द एक्ससर के ताकतों द्वारा हमला किया जाता है हालांकि कीविल ओब्रो के साथ भाग जाता है यूडो अपने चोरी का पता लगाता है और अपने कब्जे के लिए एक इनाम जा जारी करता है जबकि रोनन हत्यारे गमोरक को ओब्रो के बाद भेजता है जब किविल नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडर पर ओबरों को बेच, बेचने का प्रयास करता है तो गमोरा उस पर घात लगाकर उसे चुरा लेते आ, लेता है एक लड़ाई शुरू होती है इनाम शिकारी सी, के एक जोड़े में ड्राइंड आनुसिंग रूप से और साइबरनेट रूप से संशोधित रैकिन रॉकेट और पेड़ की तरह हम ह्यूमनाइड ग्रट नोआ को अफसर के अधिकारियों ने चारों को कैद कर लिया उन्होंने काइल जेल में बंद कर दिया वह वहां एक कैदी ड्रग्स द डिस्ट्रायर शक्तिशाली इंटरग्लेंटिक ग्ले, सरदार थानोस थानोस के साथ उसके जुड़ाव के कारण गमोरा को मारने का प्रयास करता है और रोनन जिसने उसके परिवार को मार डाला कीवेल ने ड्रेक्स को अस्वस्थ किया कि गमोरा रोनन को उसके पास ला सकता है हालांकि गमोरा ने खुलासा किया कि उसने रोनन को धोखा दिया है वह उससे ओब्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है यह सीखते यह सीखते हुए कि गमोरा ओब्र को कलेक्टर टैनेलियर टिविन को बचाने का इरादा रखता है कीवल रॉकेट रॉकेट ग्रूट और ड्रैक्स कीवल के जहाज़ मिले में काइन से बचने के लिए उसके साथ काम करता है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर बता सकते हैं और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी इस मूवी की आई रेटिंग की बात करें तो इसे एट आउट ऑफ टेन रेटिंग मिला है और इस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें